हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपका मित्र मनमोहन जोशी मैं आपके साथ हूं, और हमारे साथ हैं आदरणीय लक्ष्मीकांत भार्गव साहब। लक्ष्मीकांत भार्गव साहब न्यायविद हैं, कानूनविद हैं और लंबा अनुभव रखते हैं न्यायिक क्षेत्र में। आज हम सर से समझने वाले हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के एक महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन के बारे में। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस। हिंदी में इसे हम कहते हैं विचाराधीन वाद का सिद्धांत। आइए समझते हैं भार्गव साहब से रेस सबजुडिस क्या है, ये लैटिन वर्ड है, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। सर आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। कृपया समझाइए रेस सबजुडिस या विचाराधीन वाद का सिद्धांत है क्या और इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है और इसका प्रभाव क्या है। धारा 10 CPC जी इस सिद्धांत के बारे में बताती है। नोट कर लीजिए, सेक्शन 10 CPC में ये सिद्धांत है। जी सर, जिसे विचाराधीन वाद का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस कहा जाता है जी। इसको एक्चुअली में जो धारा 10 में लिखा हुआ है, ना तो वर्ड रेस सबजुडिस यूज किया गया है जी, और ना हिंदी में विचाराधीन वाद यूज किया गया है। वहाँ ये शब्द नहीं है। वहाँ पर शब्द है वाद का रोक दिया जाना जी। इंग्लिश में है स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट इज द वर्ड जी सर। ये एक्चुअली में वहाँ पर लैंग्वेज यूज की गई है जी, और उसके अंतर्गत ये बताया गया है। जैसा कि अगर हम इंग्लिश के फ्लो में अगर देखें जी, तो ये स्टार्ट होता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। यहाँ से उसकी लैंग्वेज शुरू होती है जी। तो यहाँ पर हम देखें नो कोर्ट शैल प्रोसीड इन ट्रायल, माने कोई भी न्यायालय जो है विचारण के लिए अग्रसर नहीं होगा जी। माने विचारण को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, इसीलिए उसका हेडिंग जो दिया गया है वो दिया गया है कि वाद का रोक दिया जाना। वाद का रोक दिया जाना जी। और कब नहीं होगा अग्रसर विचारण में आगे बढ़ने के लिए, जबकि वो धारा 10 में जो शर्तें दी गई हैं, धारा 10 के बारे में जो डेफिनेशन में एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं, तो पहले उचित ये होगा कि हम उसको पढ़ें उस सेक्शन की भाषा क्या है। स्लाइड में देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस के बारे में। सेक्शन 10 रीड सेज, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or constituted by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. One explanation is added to particular section which says that dependency of a suit in foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. So, अभी आपने स्लाइड में देखा सेक्शन 10 की डेफिनेशन क्या कहती है। समझते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है और डेफिनेशन क्या कह रहा है। सर सेक्शन तो रीड आउट हो गया, एक बार समझा दीजिए है क्या। देखिए इस सेक्शन की भाषा से जैसा आपने देखा होगा, देयर मस्ट बी टू सूट्स जी, मतलब सबसे पहले तो दो दावे होना आवश्यक है। दो दावे होना आवश्यक है जी। एक दावा पहले से न्यायालय में पेंडिंग है जी, और दूसरा दावा उस पेंडिंग दावे के बाद में प्रस्तुत किया जाता है जी। पहले दावे को हम फॉर्मर सूट कहते हैं, पूर्ववर्ती वाद, और दूसरे दावे को सब्सिक्वेंट सूट या पश्चातवर्ती वाद कहते हैं जी। तो सबसे पहली कंडीशन तो इसमें यही आ जाती है कि देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन इज ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड एंड अदर इज सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड जी। अब यहाँ पर प्रश्न ये आएगा कि सर इंस्टीट्यूशन कैसे हो गया जी, जब दावा रोक ही जाना है तो इंस्टीट्यूशन क्यों होगा। पहले से एक विचाराधीन है, दूसरा कैसे आ गया, दूसरा विचाराधीन कैसे हो जाएगा जी। तो यहाँ पर जो उसकी स्टार्टिंग लैंग्वेज है उसको गौर करना बहुत जरूरी होगा। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, नो कोर्ट शैल प्रोसीड इन द ट्रायल जी। सो द ट्रायल इज वर्ड नॉट द इंस्टीट्यूशन जी। ट्रायल और इंस्टीट्यूशन दोनों डिफरेंट चीज है किसी भी माने सिविल केस के लिए। इंस्टीट्यूशन जैसा कि पीछे के एपिसोड्स में आपने देखा होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वाद कैसे संसित होता है जी। तो जहां दूसरा दावा अगर पेश हुआ है जी, तो उसको संसित करने से या इंस्टीट्यूशन से नहीं रोका जा सकता जी। न्यायालय द्वारा उसे इंस्टीट्यूशन तो किया जाएगा जी, लेकिन जहां ये संचिति या धारा 10 के अंतर्गत जो आवश्यक बातें हैं वो वहां एग्जिस्ट करती है, वो विद्यमान अगर है तो बाद का जो सब्सिक्वेंट सूट है उसकी ट्रायल को हम रोक देंगे। दूसरी चीज उसमें और क्या आती है जी, देयर मस्ट बी सेम पार्टी जी इन द प्रीवियस सूट
एंड इन द सबसिक्वेंट टू, पहले दावे में और दूसरे दावे में पक्षकार सेम होने चाहिए, पक्षकार वही। अब वही पक्षकार से तात्पर्य नहीं कि ए और बी दो पहले पक्षकार हैं तो वही के वही हो जी, ए के उत्तराधिकारी हैं या बी के उत्तराधिकारी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ओनली द लीगल रिप्रेजेंटेटिव बल्कि मान लीजिए ए के द्वारा जो अधिकार ड्राइव कर रहा है कोई व्यक्ति वो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत आएगा, उससे वो प्राप्त करने वाला जी, जी। उसी प्रकार वी की स्थिति होगी। तो कहने का तात्पर्य सेम पार्टी से तात्पर्य या तो वही पक्षकार हो या उन पक्षकारों के माध्यम से जिसने अधिकार प्राप्त किया हो वो पक्षकार भी सेम पार्टी माने जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली भी सेम इश्यूज, जो विवाद विवाद के विषय जो हैं वो प्रत्यक्षता और सारता वही होना चाहिए, दोनों और सारता। प्रत्यक्षता और सारता से मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए किसी भी दावे में पहले जो सहायता मांगी है जिन आधारों पर उसी से संदर्भित, अब वही के वही मान लीजिएगा उसके विपरीत कोई सहायता उन्हीं तथ्यों के विपरीत तथ्यों के आधार पर अगर दूसरा व्यक्ति अगर दावा लेकर आता है जो कि पहले दावे में प्रतिवादी है वो अगर वादी बन के आता है तो यहाँ भी प्रत्यक्षता सारता वही चीज आ जाएगी। जो तो कहने का तात्पर्य है कि विवादित विषय वही होना चाहिए, विवादित संपत्ति वही होना चाहिए और पक्षकारों के मध्य उसी अधिकार के संबंध में विवाद होना चाहिए जी। तीसरी चीज इसमें आती है कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की सक्षमता जी। न्यायालय की सक्षमता से तात्पर्य जैसा कि उसकी डेफिनेशन में हमने देखा, न्यायालय की सक्षमता या तो उसी न्यायालय में हो या उसके समान क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी अन्य न्यायालय में भी हो सकता है जी। लेकिन वो न्यायालय जैसा कि परिभाषा में आपने देखा फॉरेन कोर्ट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर भारतवर्ष की सीमा के बाहर कोई न्यायालय स्थित है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है या केंद्र सरकार द्वारा उसे संचालित किया जा रहा है तो वो विदेशी न्यायालय नहीं होगा। जैसे कि हमें विदेशी न्यायालय की परिभाषा में हम पीछे देख चुके, मैंने यहाँ जो मेन डेफिनेशन क्लॉज में जो दिया गया है कोर्ट के बारे में कॉम्पिटेंसी या सक्षमता के बारे में उससे सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि या तो वही न्यायालय हो जिसमें पहला बात लंबित है या उसी समान क्षेत्राधिकार का भारतवर्ष में स्थित कोई अन्य न्यायालय हो या भारत के बाहर स्थित भले ही न्यायालय है लेकिन वो फॉरेन कोर्ट नहीं है जी, तो वो उस न्यायालय में भी कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाएगा। ठीक है सर, जो एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया है फॉरेन कोर्ट के बारे में कि अगर भारत के बाहर स्थित जो फॉरेन कोर्ट की परिभाषा में हमने पढ़ा जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है, ऐसे न्यायालय में अगर मान लीजिए कोई दावा पेंडिंग है पहले से तो सब्सिक्वेंट उसके कारण नहीं रोका जाएगा क्योंकि उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिस एप्लीकेबल नहीं होता है जी। तो अभी आपने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिस क्या है, सर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताए हैं, एक बार स्लाइड में देखते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं रेस सब्जुडिस के लिए। तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर वन, देयर मस्ट बी टू सूट्स, जैसा कि सर ने समझाया दो वाद होने चाहिए, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड द अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है द मैटर इन इश्यू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू इन द प्रीवियस सूट। द थर्ड वन इज बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट or in any other court in India or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government or before the Supreme Court. The fifth important condition is the court in which the previous suit is instituted must have jurisdiction to grant the relief claimed in subsequent suit. The last condition to fulfill this doctrine is such parties must be litigating under the same title in both the suits. अभी आपने छह इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखे क्या कंडीशंस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिस के लागू होने के लिए। हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, सर कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे या कंक्लूड करें? ये जो छह कंडीशंस एक्चुअली में जो बाद में आपने देखी है जी अलग अलग, वो सारी की सारी छह कंडीशन उसको छह टुकड़ों में अगर हम बांट दें डेफिनेशन को जी तो ये सारी कंडीशंस उसी में से आ जाती हैं जी। तो ये छह कंडीशन अपन पहले ही उसमें चर्चा कर चुके हैं जी। तो जो खास चीज एक तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट देखना है और दूसरा पार्टीज सेम और देयर रिप्रेजेंटेटिव है जी। सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली सेम मैटर इन इशू वही होना चाहिए जी। प्रीवियस कोर्ट पहले से पेंडिंग है, दूसरा बाद में होना चाहिए जी। तो यहाँ पर जो स्टे किया जाएगा वो सब्सिक्वेंट सूट स्टे होगा, प्रीवियस सूट चलता रहेगा जी।
आपको समझ में आया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस, विचाराधीन वाद का सिद्धांत? बहुत अच्छे से भार्गव साहब ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सब्सक्राइब करने वैसे भी नहीं कहूँगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने आखिरी तक इस लेक्चर को देखा है तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप आइए, सीधे हमसे जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vidhikshiksha। कुछ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सर आप PDF उपलब्ध करवाइए, आप नोट्स उपलब्ध करवाइए। तो जो भी लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, ये और इसके अलावा भी बहुत सारे लीगल टॉपिक्स पर लगातार मैं लिखता रहता हूँ विधिक डायरी के नाम पर। आप गूगल पर सर्च करेंगे VIDHIK DIARY, तो आपको वहाँ पर मैं लीगल टॉपिक्स पर आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसे आप नोट्स के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे, बढ़ाते रहिए अपना कानून का ज्ञान। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।